हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं। इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है। पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते। हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं। स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है। इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर, आपसे बातचीत कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना। तो ये है लक्ष्य यात्रा का। हिंदुस्तान के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का। जो रोजगार देने का सिस्टम है, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, वो लोग देते हैं रोजगार। जो अरबपति होते हैं, 3-4 अरबपति हैं हिंदुस्तान में, वो रोजगार नहीं देते। और जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गए। और सच्चाई आज ये है कि देश अगर चाहे भी अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता। दूसरा मुद्दा महंगाई है। इंटरनेशनल मार्केट पे पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम ऊपर ही जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम गिर जाएं, मगर उसका फायदा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को नहीं मिलता। आपको याद होगा यूपीए के समय पेट्रोल के दाम 60 रुपए के थे, आज 107 रुपए। तो आपको यह सवाल पूछना है कि ये जो पैसा है जो आपके जेब में से निकल रहा है, ये कहां जा रहा है, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये चुने हुए 4-5 उद्योगपति हैं हिंदुस्तान में, इनको सब एयरपोर्ट मिलते हैं, रेलवे इनको मिलेगी, बीएचईएल, एचईएल, ये सब जो सरकारी कंपनियां एक एक करके इनको मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये करते हैं, अनाज का स्टोरेज का काम ये करते हैं, बिजली का, पावर जनरेशन का काम ये करते हैं। तो सारा सारा फायदा इन्हीं 4-5 लोगों को जाता है। जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज किसान के घर में हमने चाय पी, किसान आया मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी, आपने हमारा कर्जा माफ किया, आपने हमने हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे 22 लाख लोग हैं, 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो, 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा, कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। और पहले गांव में मनरेगा होती थी, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे अब शहरों में हम मनरेगा जैसी योजना लाए। ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट, जिससे 13 डिस्ट्रिक्ट्स को सिंचाई का और पीने का पानी मिलता। स्टेट की सरकार ने 9500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अलग रखे। अपने भाषणों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को वायदा किया था कि ये जो सिंचाई का प्रोजेक्ट है, इसको हम नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको हम पूरा करेंगे। उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। और अब जब राजस्थान की सरकार अपने पैसे से प्रोजेक्ट को बनाना चाह रही है, तो हमारी सरकार को प्रोजेक्ट बनाने से रोक रही है।